हे गाइस, आप डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस अक्सर बोलते होंगे, जैसे वहां जाना ही बेकार है, तुमसे मिलना ही बेकार है, आपको समझाना ही बेकार है। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए इट इज यूजलेस का प्रयोग करती है, जिसका मतलब होता है बेकार है। गाइस, इसका रूल होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है इट इज यूजलेस, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। गाइस, और अच्छे समझने के लिए एग्जांपल देखिए, जैसे तुमसे बात करना ही बेकार है, इट इज यूजलेस टू टॉक टू यू। तुमको समझाना ही बेकार है, इट इज यूजलेस टू मेक यू अंडरस्टैंड, इट इज यूजलेस टू मेक यू अंडरस्टैंड। आपके साथ बैठना ही बेकार है, इट इज यूजलेस टू सिट विद यू, इट इज यूजलेस टू सिट विद यू। तुमसे मिलना ही बेकार है, इट इज यूजलेस टू मीट यू, इट इज यूजलेस टू मीट यू। तुम्हारे साथ बाजार जाना ही बेकार है, इट इज यूजलेस टू गो टू मार्केट विद यू, इट इज यूजलेस टू गो टू मार्केट विद यू। वहाँ जाना ही बेकार है। गाइस, ये सेंटेंस है आपके लिए, जिसकी ट्रांसलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। आई होप आप इस तरह के सेंटेंस अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। और ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।